हम हमेशा जल्दबाजी को फील करते हैं। हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमारी लाइफ बहुत फास्ट है, हम बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं पर पहुंच कहीं भी नहीं पा रहे, ऐसा क्यों होता है? हम फील करते हैं ना टाइम कितनी तेजी से निकल रहा है यार। कोई भी साल की शुरुआत होती है और थोड़ी देर के बाद ही उसका एंड हो जाता है, पूरा साल ऐसे निकल गया, पता ही नहीं लगा, कोई लाइफ में बड़ा कोई चेंज ही नहीं हुआ। बिजी स्केड्यूल फॉलो करते हैं पर फिर भी रिजल्ट जो है ना इतने मैग्निफिसेंट नहीं निकल पाते। और मैं पर्सनली मानता हूँ कि हर बंदे के पास टाइम बहुत सारा होता है, बहुत टाइम होता है, पर कुछ चीज़ें हैं जिनको अगर हम कंट्रोल ना करें तो हम एक लूप में फंस जाते हैं जिसको टाइम डेफिशिएंट लूप कहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, ऐसा क्यों होता है? टेक्नोलॉजी की देन भी है और कह सकते हैं कि शाप भी है, ये हमें इंफॉर्मेशन बहुत सारी मिल रही है, तो यही मेजर दिक्कत है कि जिसके कारण हर एक बंदा जल्दबाजी फील कर रहा है। उसको लग रहा है कि टाइम बहुत स्पीडली रन कर रहा है पर एक्चुअल में उसके थॉट, इसके विचार बहुत स्पीडली काम कर रहे हैं। हम एक विचार से दूसरे विचार तक जाते हैं नैनो सेकंड में, जिससे क्या है कि हमारी जो मेमोरी है ना उसमें कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। हम खाली भी बैठे हो ना तब भी फ्री नहीं फील कर पाते, यही मेन दिक्कत है। ऐसा कह सकते हैं कि हम इन्फॉर्मेशन को इतनी स्पीडली कंज्यूम कर रहे हैं ना कि जिससे एक तो हमें ऑल टाइम एक भूख सी फील होती है। हम खाली भी बैठे होंगे तो हम उस खाली टाइम में भी अपने मोबाइल को निकाल के टीवी को ऑन करके ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे। उसी के कारण ही हमें इतनी एक कह सकते हैं कि जल्दबाजी फील होती है, क्योंकि हमारा जो अंदर से विचार है ना वो बहुत स्पीडली काम कर रहे हैं। टाइम नहीं चेंज हुआ, टाइम की स्पीड अभी वैसे ही है। तो अगर इस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहते हैं ना तो एक ही हल है इसका, आपको टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा कट ऑफ होना पड़ेगा। आप थोड़े टाइम के लिए अपने मोबाइल से, इंटरनेट से, टीवी से, सोशल मीडिया सब चीज़ों से थोड़ा दूर रह के देखें तो आप सोशल मीडिया से बिल्कुल कट ऑफ हो जाएं। थोड़े टाइम के लिए बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स कर दें, अपना इंटरनेट ऑफ कर दें, टीवी बंद कर दें, सोशल मीडिया बंद कर दें, मोबाइल से दूर रहें, कोई भी नोटिफिकेशन, SMS सब चीज़ों से, जितना आप दुनिया से कट ऑफ होंगे ना उतना ही आप अपने पास जाएंगे, अपने आप को फील कर पाएंगे, अपने आप को जान पाएंगे। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पीस, शांति, एक मज़ा फील करेंगे। आप हर एक लाइफ के मोमेंट को एंजॉय कर पाएंगे, अपने खाने को, पीने को, घूमने को, प्रेजेंटनेस फील करेंगे कि कितना रिलैक्स फील होता है। तो यही बेसिक प्रॉब्लम भी है कि हम बहुत ज़्यादा वर्चुअली कनेक्टेड हैं जिससे कि हम अपने आप से दूरी फील करते हैं। तो अगर आप अपने आप को जानना चाहते हैं तो आपको दुनिया से थोड़ा सा कट ऑफ तो होना ही पड़ेगा। आपको लग रहा होगा ना कि बहुत मुश्किल है, पर इतना मुश्किल नहीं है, ट्राई करके देखें, बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा रिलैक्स फील करेंगे, शांत बिल्कुल। और ऐसे ही हम अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे काफ़ी डिस्कस करते रहते हैं, तो अगर आपको बढ़िया लगा हो तो आप अपने रिलेटिव से, नॉर्मल से शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा फील हो। अपना इतना कीमती समय देने के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।